गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अमित, आई एम फ्रॉम रोबोल्यूशन। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेंटरपिट रोबोट। तो ये एक टाइप का मल्टीलेक्स रोबोट है जिसमें 16 व्हील्स हैं और 8 मोटर्स हैं। बाकी हमने सप्लाई जो है 3.7 वोल्ट का दिया हुआ है। 3.7 वोल्ट की जो सप्लाई है इंडिविजुअल्स वो हमने दे हुई है। तीन सेगमेंट्स पर हमने दे रखा है, फ्रंट, बैक एंड मिडिल। बाकी आप व्हील्स देख रहे हैं, ये वीओ व्हील्स हैं, वीओ मोटर हमने लगा हुई है। डुअल साइड मोटर, डुअल साइड शाफ्ट होते हैं इसमें, तो ये इजीली कनेक्ट हो जाता है। बाकी ये जो इस टाइप का जो रोबोट है ये हमने इरेगुलर सरफेसेस के लिए बनाया हुआ है, जो कि इरेगुलर सरफेसेस हो, चाहे जो इस टाइप के जो पाथ रहते हैं जहाँ पे नॉर्मल रोबोट जो है वो इजीली मूव नहीं कर पाते, तो उस टाइप के जो अर्थ मूवर्स रोबोट्स हैं उस टाइप का रोबोट हमने ये बनाया हुआ है। तो एक बार मैं इसका आपको वर्क करके दिखाता हूँ। फर्स्ट मैं इसका जो बटन स्विच है ऑन करूँगा। ये स्लोप में जा रहा है, अभी आप देख रहे हो रोबोट कैसे मूव कर रहा है। ये जो स्लोप है ये अराउंड 25 टू 35 डिग्री का है। तो ये यहाँ फंस गया है, बाकी मैं इसे ऐसे सरफेस में ले लेता हूँ। तो आप देख रहे हो ये किस टाइप से जो बैरियर्स हैं उनको क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमने दी हुई है बीच बीच में, जो पॉइंट्स हैं जहाँ से ये कनेक्ट होता है। तो ये आप देख रहे हो किस टाइप से मूव कर रहा है। सारे व्हील्स एट अ टाइम मूव करते हैं, सारे पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो ये आप देख रहे हो कि सरफेसेस में कैसे कैसे मूव कर रहा है। तो जैसे ये आप इसे देख रहे हो, अब ये हल्का हल्का क्लाइम कर रहा है, अब ये स्लोप में जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो ये कैसे टिल्ट हो जाता है बीच में, जो हमने पॉइंट्स है थोड़े से उनमें प्ले दिया हुआ है जिससे कि ये इजीली लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन फ्लेक्सिबल रहे। तो ये जो रोबोट है ये इजीली क्लाइम कर लेता है, डिसेंड कर लेता है, और जो इस टाइप के बैरियर्स है छोटे मोटे जो स्टोन्स हैं मड है इनको इजीली क्लियर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक रेल मिला है जिसके ऊपर मैं इसे एक बार चला के ट्राई करूँगा। अब मैं इसे ऑन करता हूँ, तो आप देख रहे हो कैसे ये ट्रैक में इजीली मूव हो रहा है।